नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये महिंद्रा की बोलेरो पिकअप FB मॉडल है, FB 2017 का है। तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और यहाँ पे उसका जो इंजन का लाइट है वो फ्लैशिंग कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। और इसके अंदर दूसरा गाड़ी का चाबी डाला था, इसके वजह से ये गाड़ी है इमोबिलाइज हुई है। तो आपको फॉल्ट भी दिखाता हूँ कि अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाड़ी में है ना, गाड़ी को एक बार ऑफ किया मैंने, को वापस ऑन करता हूँ। ऑन करेंगे तो यहाँ पे उसका चेक लाइट तो बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंजन लाइट है उसका वो फ्लैशिंग कर रही है। और जब भी ये ब्लिंकिंग होती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी इस कंडीशन में। तो आपको मैं दिखाता हूँ, तो इसको इंजन लॉक हो गया है, EMS लॉक हो गया है, या फिर इमोबिलाइज हुई गाड़ी है, ऐसा बहुत टाइप से बोलते हैं। तो अपन उसको अनलॉक करेंगे थिंक टूल मास्टर से। तो ये थिंकर मास्टर है अपना स्कैनर, और उसका मैंने उसको VCI में कनेक्ट करता हूँ। तो VCI कनेक्ट किया मैंने, इग्निशन स्विच ऑन है, और जाएंगे डायग्नोस में, और जाएंगे महिंद्रा इंडिया। और उसके लिए आपका जो वाईफाई है या हॉटस्पॉट है, नेट अपना उसका कनेक्ट होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, ओके करेंगे। और जाएंगे व्हीकल सिलेक्शन में, और ये अपना कमर्शियल है तो कमर्शियल में जाएंगे। और यहाँ पे उसका BS6 का भी अपडेट आया हुआ है, पैसेंजर कमर्शियल और BS6। तो अपना ये कमर्शियल है सेकंड ऑप्शन, और यहाँ पे जाएंगे अपना बोलेरो पिकअप। तो बोलेरो पिकअप में भी दो ऑप्शन खुला है, एक बोलेरो पिकअप जो और ये दूसरा है वो बोलेरो पिकअप BS6। एक मिनट, BS6। तो अपना ये BS4 है, तो अपन ऊपर वाले में जाएंगे, सिस्टम सिलेक्शन, EMS इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को रीड करेंगे, रीड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे आ रहा है उस बहुत सारे फॉल्ट आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखेंगे तो P183F इमोबिलाइजर नॉट प्रेजेंट इन व्हीकल, और इमोबिलाइजर ऑथेंटिकेशन एरर P1832, और यहाँ पे आ रहा है P183B इमोबिलाइजर एरर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉन्ग आइटम्स। तो ये जब भी गाड़ी इमोबिलाइज होती है तो ये 183B और 1832 और ये P183F ये फॉल्ट कोड आ जाते हैं। इसको एक बार क्लियर करता हूँ मैं, क्लियर फॉल्ट कोड, यस, ओके, रीड फॉल्ट कोड देखेंगे तो ये फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हो रही है, तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा और वापस बैक जाते हैं। और इमोबिलाइजर में भी चेक करते हैं, रीड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे भी आ रहा है B2F4200 रॉन्ग TXP, और यहाँ पे B2F4500 ऑथेंटिकेशन फेल टाइम आउट, और यहाँ पे थर्ड में है B2F4400 नो ECM चैलेंज। तो यहाँ पे तीनों फॉल्ट आया, और ये नो ECM चैलेंज करंट में है, और ये भी ये वाला भी करंट में है। एक बार बैक करते, उसको भी क्लियर करते, यस, कंप्लीट, रेड फॉल्ट कोड करेंगे, तो यहाँ पे इमोबिलाइजर का फॉल्ट क्लियर हो गए, नो फॉल्ट कोड, बैक जाते हैं, और बैक जाएंगे, और बैक, और यहाँ पे जाएंगे सेकंड ऑप्शन में, हॉट फंक्शन एंड इमोबिलाइजर, और या इसमें भी सेकंड ऑप्शन में जाएंगे न्यू इमोबिलाइजर सिस्टम रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे फोर ऑप्शन खुला है। तो अपन उसमें यहाँ से भी कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग एंड इमो सिंक, और
EMS issue unlock, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये अपना यापन इस ऑप्शन से करके देखेंगे, EMS issue unlock, इसको ऑटो आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बोल रहा है, तो इसको यस करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है EMS issue unlock successfully, turn off the इग्निशन ऑफ करने के लिए बोल रहा है 1 मिनट के लिए। तो उसको मैं ऑफ़ करता हूँ, और ऑफ़ करने के पहले मैं एक बार उसका DTC क्लियर भी कर लेता हूँ। ओके करता हूँ मैं, ओके। तो उसके लिए पूरा बैग जाता हूँ मैं, एक मिनट, पूरा बैग जाएंगा, यस, और ऊपर जाता हूँ महिंद्रा में, ओके। डायग्नोस में जाएंगे, फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे, व्हीकल सिलेक्शन कमर्शियल, बोलेरो पिकअप, सिस्टम सिलेक्शन EMS, फॉल्ट कोड क्लियर करते हैं डायरेक्ट, यस, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस एक बार क्लियर करता हूँ। इसको इमोबिलाइजर का देखते हैं क्या है, इसको पहले रियल फॉल्ट कोड दिखाता हूँ, नो ट्रबल कोड, इसमें तो ऑलरेडी नहीं है, तो इसमें तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। चलो ठीक है, तो इसको स्विच को ऑफ करते हैं 1 मिनट के लिए। अब भी ये ब्लिंक कर रहे हैं, तो इसका 1 मिनट हुआ है, तो इग्निशन स्विच ऑन करते हैं। ऑन किया, तो यहाँ पे इंजन जो लाइट आ रहा था वो चला गया, वापस एक बार ऑफ करता हूँ मैं, ऑफ करके ऑन किया, तो यहाँ पे चला गया। इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, तो अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई, आपको आगे से भी दिखाता हूँ। तो एक बार फॉल्ट को क्लियर करते हैं, देखते हैं अभी फॉल्ट कोड क्लियर हो रहा है क्या। रेड फॉल्ट कोड है, एक मिनट उसको क्लियर करता हूँ, क्लियर फॉल्ट कोड, यस, क्लियर कंप्लीट, ओके, रेड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड, और ये है EMS में, EMS का फॉल्ट कोड नहीं जा रहा था, और जो इमोबिलाइजर का तो ऑलरेडी गया था, उसको एक बार चेक करते वापस, रेड फॉल्ट कोड, तो नो ट्रबल कोड। तो ये अपना ये सक्सेस हो गया EMS अनलॉक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।